और जिंदगी में कुछ सपने ऐसे होते हैं इंसानों के जो लगभग असंभव से दिखते हैं, लेकिन लोगों ने उसे गोल बनाकर हिट किया है और जिंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान बने। सपने बड़ा ही पावरफुल है, लेकिन धुंधला सा शब्द है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि वर्तमान में असंभव से दिखने वाली चीजों को सपना ही होती है, जो भविष्य में लोग उसे पाने की इच्छा करते हैं और अपना गोल बनाते हैं। जब लोगों के पास रात में बल्ब नहीं थे, लोग रात में कैंडल जलाते थे, दिया जलाते थे, लेकिन किसी का सपना था कि मैं रात में कोई बल्ब बनाऊंगा और लोगों को रोशनी दूंगा। ये उस टाइम जिस बंदे ने सोचा होगा, या थॉमस अल्वा एडिसन ने ही सोचा, और भी सारे बंदे ने सोचा होगा, ये असंभव से दिखने वाली चीज थी, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने इसे असंभव दिखने वाली चीज को संभव कर दिखाया। जब किसी ने बोला कि मैं लोहे को भी आसमान में उड़ा दूंगा, कुर्सी को भी उड़ा दूंगा, गाड़ी को, हवा को, घर को, हर चीज को उड़ा दूंगा मैं हवा में, तो ये भी एक दिन असंभव दिखने वाली चीज ही थी। कोई नहीं जानता था कि हम पंछियों की तरह उड़ सकते हैं। लोहा भी आकाश में उड़ सकता है, लोहा भी पानी पर तैर सकता है, किसी को भी नहीं पता था। लेकिन राइट ब्रदर्स, और उन्होंने लोहे को भी आकाश में उड़ा कर दिखाया, असंभव दिखने वाली चीज को संभव कर दिखाया। फिर कुछ लोगों ने कहा होगा कि क्या लोहे को हम पानी पर तैरा सकते हैं, लोहा कभी भी पानी पर तैरता ही नहीं है। फिर निकल के आया बंदा आर्कमिडीज, जिसने कहा कि यह संभव है, पानी पर भी लोहा तैर सकता है, और उसने बोट बनाई, और जिससे आप देख रहे होंगे कि समुद्र में भी लोग यात्राएं करते हैं। किस वजह से? आर्कमिडीज के रूल की ही रिकॉर्डिंग करते हैं। किसी ने कहा कि मैं वायरलेस कम्युनिकेशन कराऊंगा, और निकल के आ गए ग्राम बैल। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संभव ही नहीं था कि हम बात कर सके, लेकिन उस बंदे ने टेलीफोन बना दिया और निकल के आ गया, और लोग आज यहाँ से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर बैठकर भी कुछ ही सेकंडों में बातें कर रहे हैं। क्या यह कभी संभव था? एक दिन यह भी असंभव ही लोगों को लगता था, लेकिन संभव करके दिखाया गया। शुरुआत में आपने सुना होगा कि कोई बेटा घर में कहता था कि मम्मी मुझे चांद चाहिए, तो माँ आंगन में क्या करती थी, एक पतीला लाकर पानी उसमें भर देती थी, और उसमें चांद की जब परछाई दिखती थी तो मम्मी कहती थी लो चांद आ गया तुम्हारे पास। लोगों का सपना था कि चांद पर हम जा सकते हैं, लेकिन जो चीजें असंभव दिखने वाली थी, लेकिन उसे लोगों ने संभव करके दिखाया। निकल के आ गए तीन लोग, नील आर्मस्ट्रांग के दो साथी, और चांद पर भी कदम रख के दिखा दिया कि हाँ, ये भी संभव करके दिखाया कि हाँ, चांद पर हम भी जा सकते हैं। और आज के टाइम पे आप जान सकते हो कि नासा कहाँ कहाँ पहुंच चुका है, जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं। लोग चांद क्या, सूर्य पर भी कदम रखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक सपना है जो असंभव दिखता है, 200 साल 400 साल बाद शायद कोई संभव कर दिखाए कि सूर्य पर भी कदम रखे। जब देश आजाद नहीं था, तो देश को आजाद करने का भी लोगों ने सपना देखा। पिछले कई सौ सालों से मुगलों ने हम पे शासन किया, 200 सालों तक अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, यानी पिछले 1000 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक के बीच पर हम सब गुलामी थे। लेकिन उससे पहले हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमारा देश आजाद होगा। जब 200 साल अंग्रेजों ने हमारे इस धरती पर, हमारे इस भारत देश में शासन कर रहे थे, तो किसी को नहीं लगा था कि हमारा इंडिया कभी भी इन अंग्रेजों की चुंगुल से बचेगा, हमेशा गुलाम ही रहेगा। लेकिन कुछ लोगों ने सपना देखा कि हम अपने भारत देश को आजाद करके दिखाएंगे, और निकल के आ गए भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, और झंडा गाड़ दिया और हमारे देश को आजाद करके ही रहे, और असंभव दिखने वाली चीज को संभव कर दिखाया। ये भी एक सपना ही है। आप सबको कितना भी उदाहरण क्यों ना दो, सारे उदाहरण कम ही हैं। दुनिया असंभव चीजों को संभव करने पर लगी है। जो हमारी जिंदगी में कभी हुआ नहीं, हम उसको संभव करने में लगे हैं। यही तो सपना है, यही तो गोल है। जो हमारे पास नहीं है, उसी को तो हम कामना करेंगे। जो हमारे पास है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। दोस्तों, इन सपने सिर्फ सोचा नहीं है, बल्कि उस असंभव से दिखने वाले सपने को संभव करके दिखाया है, और उसके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। देखो, ये गोल जब इन्होंने डिफाइन किया होगा, तो ये शॉर्ट टाइम, मिड टाइम और लॉन्ग टाइम गोल में डिफाइन किया होगा। लेकिन कुछ गोल ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टाइम ही डिफाइन होते हैं। जब भी आप कभी असंभव दिखने वाली चीज को संभव कर दिखाने का काम करोगे, तो आपको हमेशा लॉन्ग टाइम गोल पर ही काम करना पड़ेगा।
क्या ये थकते नहीं होंगे? आपको क्या लगता है, क्या ये डिमोटिव नहीं होते होंगे? क्या शुरू के कुछ साल लोग इन्हें बेवकूफ नहीं कहते होंगे, पागल नहीं कहते होंगे, दिमाग खराब हो गया ऐसा नहीं बोलते होंगे, चुपचाप अपना काम कर ऐसा नहीं बोलते होंगे, क्यों फर्जी को काम में लग गया, तेरे लिए यही है एक काम है, ऐसा नहीं बोलते होंगे? तुम्हें क्या लगता है, ऐसा बोलते होंगे? हर किसी को बोला गया है, फिर भी कैसे लोग लगे रहे? अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है कि फिर भी लोग कैसे लगे रहे? मैं बताता हूँ, क्योंकि इनके सपने बहुत बड़े थे, वो सपना पूरा होगा इस पर उनका अटल विश्वास है। उन्हें मालूम है 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 40 साल बाद मरने से पहले पहले मैं इस असंभव दिखने वाले सपने को संभव कर दिखाऊंगा, उन्हें विश्वास है। बस यही आपको मालूम होगा ना, तो आपको कोई भी जिंदगी में रोक नहीं सकता। सपने पूरा कीजिए, जीवन तो वैसे ही खत्म होगा। अब आपको डिफाइन करना है कि आपको किस गोल पे काम करना है। देखो, छोटी छोटी अगर लायबिलिटी पालोगे तो वो लॉन्ग टाइम गोल में नहीं आएगी, वो शॉर्ट टाइम और मिड टाइम गोल में आएगी। लेकिन आप जब भी जिंदगी में असंभव दिखने वाली चीज को संभव कर दिखाने के पीछे लगोगे तो आपको लॉन्ग टाइम गोल बनाना पड़ेगा, जिसमें 3 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल कुछ भी लग सकता है, पर वो वक्त लगेगा। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि उसे मैं संभव कर दिखाऊंगा तो आप जरूर कर दिखाओगे, वो आपके अंदर डिपेंड करता है। थैंक यू दोस्तों अपना कीमती वक्त देने के लिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।